जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या एक साजिश थी या फिर एक मानसिक रोगी की डरा देने वाली करतूत। डीजी पर धारदार हथियार से हमला किया गया, शव को जलाने की कोशिश की गई। वहीं जो सुराग मिल रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। शक की सारी सुइयां उनके यहाँ काम करने वाले नौकर यासिर अहमद की ओर घूम गई हैं, जो कि 8 घंटे के अंदर पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी यासिर अहमद कचानक इलाके के खेतों में छिपा हुआ था और फरार होने से पहले उसने अपना मोबाइल फोन फेंक दिया था। ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो से काम करते थे, वो कहीं पाँव में कुछ थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्पेस्ट वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। अभी तक जांच में जो पता चला है उसके मुताबिक एचके लोहिया पिछले कुछ दिनों से अपने दोस्त के घर पर थे, खाना खाकर वापस अपने कमरे में चले गए थे, जबकि नौकर उनकी मदद के लिए कमरे में था। जम्मू और कश्मीर के डीजी प्रिजन हेमंत लोहिया की कल देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होगी। फिलहाल जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है, बताया यही गया है कि वो अपने दोस्त के घर यानी दीपक खजूरिया के घर है वो रुके हुए थे और उनके घर में रेनोवेशन का काम चला हुआ था। फिलहाल जिस तरह से जानकारी मिल रही है, बताया यही गया है कि 6 महीने पहले ही उन्होंने अपने घर में यासिर अहमद नाम के एक नौकर को हेल्प के तौर पर रखा था। बताया जा रहा है कि नौकर ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था और धारदार हथियार से कई बार हमला करने के बाद वो कमरे की खिड़की के रास्ते फरार हो गया। लोहिया के शव को जलाने की कोशिश भी की गई, आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताब न लाते हुए उनकी डेथ हो गई। पुलिस ने आरोपी की फोटो जारी कर दी है। पुलिस के शक की कई वजह हैं। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें देर रात नौकर यासिर अहमद भागता दिख रहा है। हत्या के वक्त सिर्फ यासिर ही डीजी के साथ था। शुरुआती जांच में मौका वारदात पर किसी और के आने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। फोर्स एंट्री नहीं थी, दरवाजा भी अंदर से बंद था, गार्ड ने भी किसी और को अंदर आते जाते नहीं देखा। अब सवाल ये है कि आखिर अगर कातिल यासिर है तो उसने डीजी का कत्ल क्यों किया? आखिर हत्या की वजह क्या है? या फिर क्या डीजी टारगेट किलिंग के शिकार हुए? जैश ए मोहम्मद से संबंध रखने वाले आतंकी संगठन PAFF की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर अधिकारी की हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। एक खुफिया ऑपरेशन के तहत एचके लोहिया को अपने कीमती लक्ष्य के तहत मार दिया गया है। सुरक्षा जाल के बीच जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए गृह मंत्री के लिए ये छोटा सा तोहफा है। पुलिस ने फिलहाल हत्या में आतंकी एंगल खारिज कर दिया है। आतंकी संगठन PAFF के दावे को कोरी बकवास बताई जा रही है। वहीं कई ऐसे सुराग मिले हैं जिसमें यासिर एक मानसिक रोगी नजर आ रहा है। पुलिस को यासिर की एक डायरी मिली है। डायरी में हिंदी और अंग्रेजी में काफी कुछ लिखा मिला है। कुछ अजीब गरीब लाइनें भी लिखी हैं। कुछ शब्दों में वो जिंदगी से परेशान दिखता है, मौत की बात करता है। एक जगह उसने लिखा है कि उसकी जिंदगी में प्यार 0%, तनाव 90%, दुख 100% और फेक स्माइल 100% है। वहीं एक कविता लिखी है कि डियर मौत, मेरी जिंदगी में आ जाओ, मैं हमेशा से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है, मेरी जिंदगी में सिर्फ मातम है। पुलिस के जो महानिदेशक हैं कारागार के, प्रिजंस के, एचके लोहिया, जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई, पूरा जम्मू कश्मीर पुलिस का जो विभाग है सदमे में था। जम्मू कश्मीर की जनता भी काफी हैरान थी कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, लेकिन जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी प्रोफेशनली इस मामले की तफ्तीश की और पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे जम्मू संभाग हो, कश्मीर घाटी हो, सभी जगह तलाशी अभियान चलाया गया। अभी इसकी पूछताछ चल रही है और पूछताछ में यही बात पता लगाई जा रही है कि आखिर इसने ये हत्या क्यों की। नौकर 6 महीने से डीजी जेल के घर पर काम कर रहा था। इससे पहले वो प्रधान सचिव गृह के यहाँ था। नौकर एंगल आने से जम्मू से उसके घर रामबन तक पड़ताल की जा रही है। सवाल कई हैं, मसलन इतने बड़े अधिकारी की सुरक्षा में कोई कैसे नहीं था, घर पर सिर्फ नौकर ही कैसे था? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ सुनील जी भट्ट और ललित शर्मा, जम्मू आज तक।